मैंने दुआ मांगी थी कि हमारे घर की सारी मुसीबतें खत्म हो जाए। अब डर लग रहा है कहीं मैं ही ना टपक जाऊँ। मैं प्यार करूँ तो कैसे करूँ, मेरा तो बाबू सुन के ही हंसी निकल जाती है। कल प्रपोज डे था ना? हाँ। कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया? 17। तूने किसी को भी हाँ नहीं बोला? कोई तेरे जैसी मिली नहीं ना। ओह, आई लव यू। 18। तुम्हारी भाभी ने सिगरेट पीने से मना किया यार। अरे वाह, बीड़ी ला बीड़ी। यार मैं ना गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने का प्लान बना रहा हूँ, कोई सजेस्ट करना अच्छी। क्या मूवी? गर्लफ्रेंड। मारो मुझे, मारो। तरस जाओगे मुझसे मिलने के लिए? एक बार मुझे 2000 रुपए उधार तो देके देखो। कल मैं चिड़ियाघर गया था। अच्छा, हम दोनों भी तो वही थे। कौन से पिंजरे में थी तुम दोनों? प्यार एक कला है। वाह 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 वाह। मत करना, मेरी सलाह है। जब चुपचाप घर में बैठे मौज ले रहे थे तो बड़ी चुल मच रही थी यार। कॉलेज की बहुत याद आ रही है, कोई तो कॉलेज खुलवा दो प्लीज। खुल गए और अब मौत आ रही है, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा। और करेगा भी कैसे, एग्जाम लेने की कह रहे हैं। खत्म गया। हो गया चालू साला। यार तुम लोगों की बहुत ठंड लग रही है क्या? नहीं तो फिर ये कार इतनी कांप क्यों रही है? तेरे को क्या हुआ? यार आज मैं बहुत अपसेट हूँ। तू बुरा ना माने तो मैं तेरे को सेट करने की कोशिश करूँ। सुन सुन, चल तू अपना हुनर आजमा कर देख। निकाल दिया तुझे दिल से, वापस जगह बना कर देख। सब वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, मैंने भी अपनी माँ को प्रपोज कर दिया, ये कहकर कि मुझे अगले जन्म में भी तेरी ही गोद मिले। हो माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो? तो क्या ना, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हमारा नेता कैसा हो? पिंक कलर का। बेबी आ गए डॉक्टर के पास से? हाँ बेबी आ गया। पता है डॉक्टर ने दवाई की जगह तुम्हारा नाम लिखा है। ओ बेबी, उसे तुम ठीक तो जाओगे ना? वो तो तुम पे डिपेंड करता है। वो कैसे? डॉक्टर ने बोला सुबह दोपहर रात 3 बार लेनी है। साला सबके साथ चला जाता था, इंसान था या ब्लैक जीन्स? आज जिंदा हूँ तो कदर कर लो मेरी, क्या पता कल तुम मर जाओ। बोलते नहीं पर बहुत सी चीजें अंदर ही अंदर से चुप जाती हैं। और सच ही तो कहा है किसी ने, अकल बादाम खाकर नहीं धक्के खाकर ही आती है। गालियां देने वाली लड़कियों की दोस्ती नसीब वालों को ही मिलती है। दो वैलेंटाइन डे आज है। अरे कोई सुन रहा है? किसी के पास एक्स्ट्रा गर्लफ्रेंड हो तो मुझे दान कर दें। आज इसका पुण्य भी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाने के बराबर होता है। नो 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 नो। मेरे नोटिस जी 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 जी, क्यों पीते हो इतनी? तेरे बाप की पिया। हम कमाता है पीता है। यार तुम ना अब एक बाइक ले लो। नहीं बाइक नहीं लूंगा, मैं एक्टिवा लूंगा। क्यों? उसकी डिक्की में दारू की 2 बोतलें आ जाती हैं। यार आज का पेपर कैसा हुआ है? मेरा तो बहुत अच्छा हुआ, तू अपना बता। यार बस हो ही गया, बस समरी छोड़ दी। ओए समरी भी थी? हाँ दूसरे पेज पे थी। ओए दूसरा पेज भी था? क्यों तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं क्यों, तुम इस लायक ही नहीं हो।
चल चल आई बड़ी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरा बॉयफ्रेंड बन सके। क्यों मर दो क्या? मैडम ओ मैडम मैडम ओ भाई साहब, आपको शर्म नहीं आ रही? आप इस उम्र में लड़कियों को छेड़ रहे हो? मैडम आपको ये भी नहीं पता कि पुरानी गेंद ज्यादा रिवर्स स्विंग लेती है? नो 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 ये वैलेंटाइन डे आ रहा है यार, मेरा मन करे ना तो मैं सारे लड़कों को आईफोन गिफ्ट कर दूँ। अरे आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू, पर मेरा मन तो करे। माई प्लान्स फॉर वैलेंटाइन्स डे। हेलो, हाँ अंकल, आपकी लड़की यहाँ किसी लड़के के साथ खड़ी है। यार भाइयों, कोई लड़की तुम्हें फ्लाइंग किस करे तो कैसा लगेगा? मुझे तो बहुत ही मजा आएगा। और तुझे? साला नफरत करता हूँ ऐसी लड़कियों से। क्यों भाई? करना तो साला डायरेक्ट करे। सॉरी ऐसी लड़कियाँ कहीं की। दो दिन और शुरू होने वाला है। रोल डे, लहसुन डे, मिर्ची डे, फलाना डे, टमाटर डे, पुदीना डे, लोड़ा लड़का डे, वैलेंटाइन डे। मरती थी जिसके लिए वो किसी और के साथ मरवा रहा है। अरे भाई, तेरे इंस्टाग्राम पे 100 के फॉलोअर्स हो गए। अबे हाँ भाई, पार्टी नहीं चाहिए। तुम सिंगल लोग कभी नहीं समझोगे। क्या कभी किसी का शिद्दत से वेट किया है? हाँ। किसका? फोन का 100% चार्ज होने का। सिंगल पसंगल न जाने लोग प्यार में हाथ कैसे काट लेते हैं। मैं तो अपने नाखून तक ना काटूं। ये मैं हूँ, ये मेरा वॉशरूम है और यहाँ पे पॉटी हो रही है। पॉटी हो रही है। पॉटी पॉटी पॉटी। दोस्तों, जर्मनी में गाली देने पर जेल होती है। शुक्र है ये कानून भारत में नहीं है, वरना हम तो मिनटों मिनटों में जमानत करवाते फिरते। पता नहीं कहाँ से लाते हैं ऐसे कानून, बहन के भाई। भाइयों एक बात बोलूं? हाँ जी भैया। काम ऐसे करो कि टीवी पे आओ, सीसीटीवी पे नहीं। यार आज वैलेंटाइन्स डे है ना, क्यों ना हम हमारे फ्रेंडशिप के रिश्ते को एक नया मोड़ दे। हाँ यार, तू सही कह रहा है, आज से हम लोग भाई बहन। इतना डरते हो तो क्यों किसी पे मरते हो? और घर वाले नहीं मानेंगे तो इश्क क्यों करते हो? ओएस, तुम मुझ पे कितना भरोसा है? मेरा दुनिया से भरोसा उस दिन टूट गया था, मेरे को लगा लोग आ रहे हैं। ये ब्लूपर था, ब्लूपर, समझ रहे हो? समझ गए। नाराज हो हमसे? हाँ। इतनी नहीं मिली तो इतना गुस्सा? कल को कोई दूसरा हमें ब्याह ले गया तो? दुनिया में माल के कमी थोड़े है, दूसरा पटाएंगे। अगर किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो वो चीज ज्यादा ही एटीट्यूड दिखाने लग जाती है। भाड़ में जाएं लोग और लोगों की बातें, हम तो ऐसे ही जिएंगे जैसे हम जीना चाहते हैं। यार ये स्कूल वाले हमारे पढ़ाई से ज्यादा हमारे बालों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? पुरानी सोच, करो या मरो। नई सोच, मरने से पहले कुछ करो। अभी की सोच, जब तक कुछ करो नहीं तब तक मरो नहीं। मेरी सोच, कोई मुझे बताएगा करना क्या है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला था सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। ऊपर वाले, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? क्योंकि मैंने तुझे ब्लॉक कर दिया है। यार तुझे एक बात बोलूं? हाँ। लड़कियां लाइन मारती है तो हैरानी, लड़के लाइन मारे तो हरामी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, और आप दिल से निकले नहीं निकाले गए हो तो यहाँ मुंह उठा के दोबारा मत आना। यहाँ कल क्या हो? जिंदगी बहुत नचाती है यार। हाँ, और जब भी जिंदगी नचाती है तो डीजे वाले अपने ही होते हैं। ये ले, एक गड्डी तेरी, ये गड्डी में यस। ये दो गड्डी तेरी, ये एक दो, ये दो गड्डी में, ये तीसरी तेरी, ये एक दो तीन, ये तीसरी में, ये चौथी तेरी, और ये एक दो तीन,
अरे एक काम है, ठीक है तेरे लिए जाने देते हैं, ठीक है? ऐसे नहीं रख ले रहे तू, तेरे ईमानदारी के ऊपर भाई कुछ है। फुल एंड फाइनल। अरे मैं चाय बनाने जा रहा हूँ, तू पिएगा क्या? हाँ लेकिन चाय गर्म होनी चाहिए। ला जा फिर, मुंह में ही छान देता हूँ। लव कुछ न कहे तो अच्छा है, ये चुप ही रहे